हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, एग्जैक्टली मुहूर्त ट्रेडिंग कब होती, कैसे होती, इस वीडियो में हम देखने वाले। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा उसमें मैं आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड करने वाली हूँ। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हम कैसे स्टॉक पिक करेंगे, कौन सा स्टॉक होल्ड करेंगे। तो आते फर्स्ट पॉइंट, इस वीडियो का जो मेन पार्ट है या मेन फोकस है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती, जैसे कि लाइक हम कभी भी कोई शुभ दिन होता है तो हम कुछ चीजें परचेस कर लेते हैं, तो एज इट इज शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में भी ऐसे एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है जो दिवाली के समय होती है। दिवाली के समय जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। अभी लक्ष्मी पूजन के दिन हम लाइक मुहूर्त ट्रेडिंग के समय हम क्या करते हैं, या मुहूर्त के समय हम लोग नॉर्मली सिचुएशन में क्या करते हैं, जब भी मुहूर्त होता है उस समय हम क्या करते हैं, लाइक कभी कार परचेस कर लेते, कभी गोल्ड परचेस कर लेते, कोई फ्लैट या कोई लैंड परचेस कर लेता है। एक क्या हम शुभ उस समय का मुहूर्त अच्छा होता है इसलिए हम लोग वहां पे वो कुछ चीजें परचेस करना पसंद करते। तो कुछ लोग ऐसे होते जो साल में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते, बट वो लोग क्या करते फिर मुहूर्त ट्रेडिंग के समय स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद कर लेते एंड थोड़ी सी कोई क्वांटिटी जो स्टॉक उनके डेली लाइफ में वो चीजें यूज कर लेते उसके रिलेटेड कुछ स्टॉक वहां पे वो लोग बाय कर लेते। तो कब बाय कर लेते, क्या टाइम होता है मुहूर्त ट्रेडिंग का, इस सब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सब चीजें क्लियर करने वाले। तो मुहूर्त ट्रेडिंग हमेशा दिवाली के दिन जो लक्ष्मी पूजन होता है, जैसे कि हमारा मानना होता है या नॉर्मल लोगों का मानना होता है इंडिया में लक्ष्मी हमारे घर आती है तो इसलिए हम उस दिन क्या करते कुछ चीजें परचेस कर लेते। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम स्टॉक परचेस कर लेते और कुछ लोग क्या करते जस्ट ये स्टॉक आज के समय मुहूर्त ट्रेडिंग के समय बाय कर लेते और नेक्स्ट दिवाली तक होल्ड कर लेते या लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर लेते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बोला जाता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम एंड मुहूर्त ट्रेडिंग कितने टाइम तक है वो कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो मुहूर्त ट्रेडिंग एज इट इज इवनिंग में होती, जैसे कि लक्ष्मी पूजन का भी मुहूर्त होता है हम उस समय हमारे घर में जो भी गोल्ड है पैसे है या मनी उनकी पूजा कर लेते या उस मुहूर्त के समय हम शुभ मान लेते बाइंग के लिए। तो कोई भी चीज बाय कर लेते उसी मुहूर्त में हम लोग बाय करते, तो एज इट इज स्टॉक मार्केट में भी उसी समय हम लोग बाय कर लेते। तो इस दिवाली के लिए 24 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो 24 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग या लक्ष्मी पूजन है तो उस दिन क्या टाइम है, जैसे कि नॉर्मली हम प्री ओपन मार्केट देखते हैं जो 9 o'clock नॉर्मली रेगुलर डे में स्टार्ट होता है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में वो टाइम कैसे स्टार्ट होता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है जैसे कि 6 o'clock को मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली 6 to 6:08 तक प्री ओपन मार्केट रहेगा। नॉर्मली जो हम लोगों का प्री ओपन मार्केट जो भी नॉर्मली होता है 9 to 9:08 तक ही होता है, तो एज इट इज वहां पे भी सेम ही टाइम दिया, 6 to 6:08 तक हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्री ओपन मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उस समय। हमें कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग के टाइम में बाय करना है तो उसके लिए हमारे पास 6:15 दिया है, 6:15 से 7:15 तक हम वो ट्रेड कर सकते, मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 1 hour का टाइम फ्रेम है। इस 1 घंटे के टाइम में हम लोग जो भी हमें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कोई भी स्टॉक बाय करने या सेल करने जो भी ट्रेड करना है उस दिन हम ट्रेड करेंगे। अभी इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जस्ट बाइंग प्रेफर करते, कुछ लोग ट्रेडिंग भी करना पसंद करते नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेडर होते, या कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके लक्ष्मी घर लेके जाना पसंद कर लेते। आप कौन से कैटेगरी में आते, आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हो या आप ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हो या प्रॉफिट बुक करके लक्ष्मी घर पे लेके जाने के लिए जाने में बिलीव रखते, आप कौन से कैटेगरी में आते आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कुछ लोग जस्ट बाइंग के लिए आते, उन लोगों का मानना होता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम जस्ट स्टॉक बाय करेंगे, तो आपको 6:15 to 7:15 का टाइम दिया, इस टाइम के अंदर आप ट्रेड कर सकते जो भी आपको शॉर्ट टू मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्टॉक बाय करने, इवन इंट्राडे के लिए भी आप वहाँ पे ऑर्डर पंच कर सकते हैं। एज इट इज 6:15 से 7:15 का टाइम है, उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे मार्केट क्लोजिंग टाइम हो जाएगा जो भी इंट्राडे ट्रेडर है। एंड जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग का टाइम है वो 7:25 से, जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग का टाइम दिया है एनएससी ने 7:25 से 7:35 का हमारे पास टाइम है, तो इस टाइम के अंदर हम ट्रेड कर सकते। तो ये कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए इवनिंग में मार्केट ओपन किया ही जाता है क्योंकि इंडिया में लक्ष्मी पूजन एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इस दिन लोग बड़े मात्रा में या बड़े क्वांटिटी में चीजें बाय कर लेते, तो एज इट इज स्टॉक मार्केट में भी बिग अमाउंट में यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, जैसे कि 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन किया जाता है
और मुहूर्त के समय मुहूर्त ट्रेडिंग मुहूर्त होता है उस समय शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो वहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, तो ये कुछ चीजें होते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप इस मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कौन सा चीजें बाय करने वाले या कौन सा स्टॉक बाय करने वाले, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। एंड कुछ स्टॉक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकमेंड करूंगी। आप दिवाली स्पेशल स्टॉक का एक वीडियो आ जाएगा, वहां पे भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी दिवाली स्पेशल कौन से स्टॉक आपको बाय करना चाहिए और कौन से नेक्स्ट दिवाली तक स्टॉक होल्ड करने चाहिए। तो होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल हुआ होगा। और आपको जो भी मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन दी, एज इट इज एनएससी की वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, वहां पे चेक भी कर सकते हैं। एंड एज इट इज मैंने स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी उसका इमेज भी दे दिया, आप देख सकते हैं टाइमिंग एज इट इज मेंशन है। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।